सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसे आप फ्री फायर में कैसे कैरेक्टर के हाथ में गन कैसे पकड़ा सकते हो। तो अभी गाइस, ये जो डीजे वालो कैरेक्टर है, इसके हाथ में मैं गन पकड़ाना चाहता हूँ लॉबी में। फ्री फायर के लॉबी में गन कैसे पकड़ाना है कैरेक्टर के हाथ में, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, आपको क्या करना है, कैसे आपको फ्री फायर के लॉबी में कैरेक्टर के हाथ में गन कैसे पकड़ाना है, तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर वेपन के ऊपर क्लिक करना है। वेपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आर्मर के ऊपर क्लिक करना है। आर्मर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके फ्री फायर आईडी में कोई ऐसा गन का स्किन होना चाहिए जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। तो आपको उसे खोजना है कि कौन से गन के स्किन को आप हाथ में पकड़ सकते हो, और कैसे आपको हाथ में पकड़ना है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो काफ़ी सारे गन के स्किन्स है, और मैं इन गन के स्किन को मैं फ्री फायर के लॉबी में कैरेक्टर के हाथ में नहीं पकड़ा सकता हूँ, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है। गन को हाथ में पकड़ने का ऑप्शन नहीं है इन स्किन्स में, इन सारे गन के स्किन्स में ऑप्शन नहीं है हाथ में पकड़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले उस गन को खोजूंगा जो हाथ में पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, ये जो UMP का गन है, और इसका जो एक स्किन है, ये वाला जो एक स्किन है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ। इसे पकड़ने के लिए गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सो इन लॉबी। दोस्तों गन में यदि पकड़ने का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सो इन लॉबी का ऑप्शन, आपको इसमें टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको ऊपर में कट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइस देख सकते हो कैरेक्टर के हाथ में गन आ चुका है। तो इस प्रकार से गाइस आप कैरेक्टर के हाथ में गन पकड़ा सकते हो फ्री फायर में। गन पकड़ने के लिए उस गन के स्किन में ऑप्शन होना चाहिए हाथ में पकड़ने का, तभी आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।